दोस्तों साल 2010 की बात है, चिली देश में गोल्ड और कॉपर की खदान अचानक ढह गई। इस हादसे में खदान में काम करने वाले 33 मजदूर जमीन से 2625 फीट नीचे जिंदा दफन हो गए। इन लोगों को यहां से सकुशल निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया, यहां तक कि नासा के साइंटिस्ट तक की मदद ली गई थी। 69 दिनों की लगातार कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों को जिंदा इस खदान से निकाला गया। इन मजदूरों को एक स्पेशल कैप्सूल के जरिए इस खदान से बाहर निकाला गया था, जिसे गिल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे भी कई गुना दर्दनाक हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ था। बात 13 नवम्बर 1989 की है। सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज की महावीर कोयला खदान में 65 मजदूरों के फंसने की खबर आई। खदान में पानी भर गया था, 6 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। अलग अलग तरीकों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिशें सफल नहीं हो रही थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे हालात में कोल इंडिया में काम करने वाले एक शख्स ने एक ऐसी तरकीब का इस्तेमाल करके 65 मजदूरों की जान बचाई, जिसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और ये तरकीब और अदम्य साहस दिखाने वाले इंसान थे जसवंत सिंह गिल। साल 1991 में जसवंत सिंह गिल को इसी जाबाजी के लिए राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी बचाव अभियान पर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू फिल्म बनाई गई है, जिसमें जसवंत सिंह गिल का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। जसवंत सिंह गिल ने इस मिशन के दौरान जिस खास स्टील कैप्सूल का इस्तेमाल किया था, उन कैप्सूलों को बाद में गिल कैप्सूल के नाम से जाना गया। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार कैसे हुआ था वो खदान हादसा। दोस्तों खदान में जिस परत से कोयला निकाला जा चुका था, वहां आसपास की नदी से पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। अगली परत 330 फुट पर थी, जहां मजदूर काम कर रहे थे। वहां पर एक पिलर था जहां ब्लास्ट नहीं करना था, लेकिन गलती से किसी ने वहां पर ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होने के बाद पिलर ध्वस्त हो गया और सारा पानी नीचे खदान में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा वाटरफॉल खदान में गिर रहा हो। इसके बाद खदान में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन अंदर फंसे 71 खनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। खदान के अंदर जाने के लिए एक चमड़े की मजबूत बेल्ट लटका दी गई, ताकि रेस्क्यू टीम अंदर जाकर लोगों को निकाल सके। लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इसने बेल्ट के चिथड़े कर दिए। इस घटनाक्रम की वजह से पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया और आतंक का माहौल था। ऐसे माहौल में जसवंत सिंह वहां पहुंचे। हालांकि वो उस खदान में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन खबर सुनते ही वो खदान की तरफ चले गए। इस सिचुएशन का जायजा लेने के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि एक नया बोर ड्रिल किया जाए। साथ ही स्टील का एक कैप्सूल बनाने का भी प्रस्ताव आया, जिसे खदान में भेजा जाना था। इसके जरिए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाना था। अब दिक्कत ये थी कि किसी भी इंसान को ठीक से ले जाने के लिए कम से कम 22 इंच का बोर होना चाहिए, लेकिन ड्रिलिंग के लिए जो औजार या कटिंग बिट अवेलेबल थे, उनसे 8 इंच तक का ही बोरिंग हो सकता था। लेकिन जसवंत सिंह और कारीगरों ने जुगाड़ लगाया। 8 इंच के कटिंग बिट पर वेल्डिंग के जरिए कई बार नए कटिंग बिट जोड़े गए और किसी तरह 21 इंच तक इसे पहुँचाया गया। फिर से परेशानी की एक और बात यह थी कि जिस कैप्सूल की बात हो रही थी, वो फिलहाल कल्पना मात्र था। कैप्सूल का डिजाइन फौरन वहीं पर बनाया गया और पास की एक फैक्ट्री में भेजा गया, लेकिन 2 बार वो डिजाइन रिजेक्ट हो गया। 3री बार डिजाइन पर मोहर लगी। ये सब करते करते 13 से 15 नवंबर की रात आ गई। अब दिक्कत ये थी कि खदान के अंदर जाएगा कौन। खैर जसवंत जी अपने चेयरमैन के पास गए और पूछ लिया कि जो आदमी नीचे खदान में बचाव अभियान के लिए जाएगा, उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना चाहिए ना। क्या उसे भीड़ को संभालना आना चाहिए, खदान की समझ भी होनी चाहिए। चेयरमैन सिर्फ हाँ बोल रहे थे। चेयरमैन के हाँ बोलने के बाद जैसे ही जसवंत सिंह ने कहा कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर है और मैं मिशन के लिए जा रहा हूँ, तो चेयरमैन पूरी तरह से चौंक गए। चेयरमैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहा कि आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। लेकिन जसवंत साहब ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि सुबह लौटकर आपके साथ चाय पीऊंगा। फिर जिस रात कैप्सूल को कोयला खदान में ले जाया गया, अचानक वो बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगा। कुछ पलों के लिए कैप्सूल रुका और फिर उसकी उल्टी दिशा में फिर से तेजी से घूमने लगा। उस एक पल गिल साहब को लगा कि उन्होंने शायद खदान में उतरकर गलती कर दी। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या वो वापस चले जाए। उन्हें लगा कि अगर 30-35 फीट पर उनकी ये हालत है, तो नीचे उतरने के बाद सिचुएशन शायद उनके काबू से बाहर हो गई तो क्या होगा। खैर उन दिनों टीवी पर महाभारत सीरियल आता था। गिल साहब कहते हैं कि मुझे अर्जुन का वो किस्सा याद आया कि कैसे उसने मछली की आंख पर ध्यान लगाया था। मैंने भी ध्यान लगाना शुरू किया। खदान के अंदर एक छोटी सी सफेद रोशनी कहीं से दिखी, बस उसी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कैप्सूल घूम भी रहा है या नहीं।
रोशनी को देखते देखते पता नहीं कब मैं नीचे पहुंच गया। वो रोशनी धीरे धीरे धूमिल हो गई और कैप्सूल से मैं बाहर निकलकर मजदूरों के पास पहुंच गया। दोस्तों ये मिशन कितना रिस्की था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर मजदूर को निकालने के बाद कैप्सूल खाली ही नीचे जाता था, लेकिन ऊपर से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कह सके कि अब की बार मैं नीचे जाऊंगा और गिल साहब की वहां मदद करूंगा। दरअसल जितनी बार भी कैप्सूल नीचे जा रहा था रिस्क बढ़ता जा रहा था, खदान में पानी भरता जा रहा था और अंदर हवा कम हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। जब 65 खनिकों को निकालने के बाद जसवंत सिंह गिल सुबह बाहर आए तो पूरी दुनिया वहां इकट्ठी थी। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय सेना का एक सैनिक युद्ध जीतकर बाहर आया हो। मजदूरों के परिवार आगे बढ़कर गिल जी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। वहां केवल बंगाली लोग थे, लेकिन लोग नारे लगा रहे थे जो बोले सो निहाल। इतना ही नहीं, गिल साहब के नाम के भी जयकारे लगाए जा रहे थे और फूलों के हार उनकी पगड़ी के ऊपर तक पहुंच गए थे। कंधों पर उठाकर उन्हें कार तक पहुंचाया गया। जसवंत सिंह गिल बताते हैं कि मजदूरों के साथ खदान में थे तो मजदूर लगातार उनसे पूछ रहे थे कि आप हो कौन, आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो या फिर फायर ब्रिगेड से। लेकिन जसवंत सिंह गिल मजदूरों को ये बात बताकर एहसास नहीं करना चाहते थे कि वो मात्र एक जनरल मैनेजर है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि मुझे पता चला कि तुम लोग नीचे पिकनिक मना रहे थे तो मैं भी आ गया पिकनिक मनाने। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि जसवंत सिंह के परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो बंगाल में कोई इतना खतरनाक ऑपरेशन कर रहे हैं। परिवार अमृतसर में रहता था। मिशन के बाद एक दिन ट्रंक कॉल आया कि शाम को दूरदर्शन पर बुलेटिन देखना। जैसे ही परिवार वालों ने 16 नवंबर 1989 को टीवी चलाया तो हेडलाइन चल रही थी कि बंगाल में 65 मजदूर बचाए गए। जसवंत सिंह की मां ने टीवी पर उन्हें देखा तो कहा कि कोई रोको इसे। घर वाले हंसते हुए बोले कि अब तो वो कर चुका जो इसे करना था। इस तरह रानीगंज मिशन के बाद जसवंत सिंह गिल बन गए कैप्सूल गिल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दिमाग और दिलेरी से 65 लोगों की जिंदगी बचाई। आनन फानन में किए गए उनके इस इन्वेंशन ने बाद में कई लोगों की जिंदगी बचाई। आपको बताते हैं कि जनवरी 2019 में जब मेघालय में एक बड़ा कोयला खदान हादसा हुआ तब जसवंत गिल को खास तौर पर मदद के लिए बुलाया गया था। जसवंत सिंह गिल को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, 1991 में सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड यानी सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से उन्हें नवाजा गया था और साल 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इसके अलावा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने उन्हें लीजेंड ऑफ बंगाल पुरस्कार से नवाजा। आज भले ही जसवंत सिंह गिल हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। 26 नवंबर साल 2019 को उनका निधन हो गया और उन्हीं की जिंदगी पर अब अक्षय कुमार फिल्म लेकर आए हैं, मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। दोस्तों ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। उन्हीं में से एक थे जसवंत सिंह गिल। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।